हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है योद्धा स्पोर्ट्स चैनल में। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम बात करने वाले हैं पबजी मोबाइल के बीटा वर्जन के बारे में। बैकग्राउंड में जो आप गेम प्ले देख रहे हैं वो भी बीटा वर्जन का ही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बीटा वर्जन से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, कैसे आपको बीटा वर्जन को डाउनलोड करना है और बीटा वर्जन में जो अभी इनविटेशन कोड का इशू आ रहा है वो इनविटेशन कोड आपको कहां से जनरेट करना है और उसको कहां पे यूज़ करना है। पहले पबजी मोबाइल के बीटा वर्जन में लॉगिन करना बहुत ही आसान था। आपको सिर्फ एपीके डाउनलोड करना था और उसमें गेस्ट लॉगिन करके उसको एक्सेस कर लेना था, पर अब इतना आसान नहीं है। अब वहाँ पर आपको इन्विटेशन कोड का ऑप्शन मिलता है जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है अगर आपके पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर मैं ये आपके लिए काफ़ी आसान बनाने वाला हूँ। पहले हम देख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो यहाँ पे सिर्फ गेस्ट लॉगिन ही रहता है। तो जैसे ही आप गेस्ट लॉगिन पे क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको कुछ इस तरह से एक मैसेज शो होगा जिसमें कि लिखा रहेगा इंटर इन्विटेशन कोड। तो अगर आपके पास ये इन्विटेशन कोड नहीं है तो फालतू में बीटा वर्जन मत डाउनलोड करना। बिना इनविटेशन कोड के आप बीटा वर्जन को एक्सेस नहीं कर सकते हो। कोई भी तरीका नहीं है, कोई भी ट्रिक इसमें काम नहीं करती है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि आपको इनविटेशन कोड कहां से मिल सकता है या कहां से आप इनविटेशन कोड को जनरेट कर सकते हो। तो इनविटेशन कोड जनरेट करने के लिए आपको सिंपली जाना है अपने ग्लोबल वर्जन में। ग्लोबल वर्जन को आप इजिली लॉग इन नहीं कर सकते, उसके लिए आपको VPN यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे इवेंट बॉक्स में। इसके बाद आपको रिकमेंडेड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको सबसे नीचे टेस्ट सर्वर मिल जाएगा। आपको सिंपली टेस्ट सर्वर में जाना है और वहाँ पे जहाँ पे लिखा रहेगा जनरेट कोड उसी पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको एक पेज इस तरह से दिखाई देगा और यहाँ पे हो सकता है कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में इस तरह से प्रॉब्लम दिखाई दे, तो आपको एक दो दिन रुक के फिर से ट्राई करना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे भी फेस करनी पड़ी थी। तो हमारा इनविटेशन कोड जनरेट हो चुका है, अब सिंपली आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। इसको यूज़ कहाँ पे करना है वो मैं आगे बताऊँगा आपको, पहले हम कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ों को जान लेते हैं। तो आप भी अगर बीटा वर्जन को खेलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने ग्लोबल वर्जन में जाके चेक कर लेना कि वहाँ पे बीटा वर्जन का आपको इनविटेशन कोड मिल रहा है या नहीं। अगर आपको इनविटेशन कोड मिले तभी इसको डाउनलोड करना, नहीं आपका डाटा वेस्ट हो जाएगा। और अगर आपको इनविटेशन कोड मिल जाए तो अपने नोटपैड में उसको लिख लेना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको किसी को भी अपना इनविटेशन कोड शेयर नहीं करना है, किसी को भी नहीं। अगर आप इनविटेशन कोड शेयर करते हैं तो आपकी ग्लोबल आईडी बैन भी हो सकती है और मे बी आप बीटा वर्जन को दोबारा एक्सेस भी ना कर पाओ। तो इससे अच्छा है कि आप इनविटेशन कोड किसी के साथ शेयर मत करना, कोई कितना भी रिक्वेस्ट करे। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि आपको इनविटेशन कोड कहाँ पे यूज़ करना है और अगर आपके ग्लोबल वर्जन में ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तब आपको क्या करना होगा। इनविटेशन कोड मिलने के बाद सिंपली आपको बीटा वर्जन ओपन करना है और इंटर इनविटेशन कोड पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो आपका कोड रहेगा उसको पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपको इस येलो बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपका बीटा वर्जन अनलॉक हो जाएगा। और अगर आपके ग्लोबल अकाउंट के इवेंट बॉक्स में टेस्ट सर्वर का ऑप्शन नहीं मिलता है तो इसका मतलब है कि आपको रजिस्टर करना होगा बीटा वर्जन 1.2 की टेस्टिंग के लिए। तो अगर आपको जानना है कि बीटा वर्जन के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म आपको कैसे फिल करना होता है, उसकी कौन सी साइट होती है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे गेमिंग एक्टिव से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव न्यूज आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड नमस्कार।